मुजफ्फरपुर की निर्भयों को न्याय दो, मुजफ्फरपुर की निर्भयों को न्याय दो, इंकलाब जिंदाबाद, जंगल राज मुर्दाबाद, जंगल राज मुजफ्फरपुर की निर्भयों को न्याय दो, मुजफ्फरपुर की निर्भय मुजफ्फरपुर के निर्भयों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजफ्फरपुर के निर्भयों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मुजफ्फरपुर के निर्भयों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुजफ्फरपुर की निर्भयों को न्याय दो, 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 जंगल राज नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, जंगल राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा, बेटियों को सुरक्षा देने सके जो, बेटियों को सुरक्षा देने सके जो, आराम से।
पुलिस वालों ने आगे जाने से रोक लिया, इसलिए सांसद संजय सिंह जी यहीं धरने पे बैठ गए। साल की बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना हुई है,
उनके साथ दरिंदगी, उनके साथ हैवानियत हुई है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, पूरे देश के दिल को दहलाने वाली घटना है ये। इसलिए इसमें एक मंत्री मंजू वर्मा का भी नाम आ रहा है, उसके पति का, अगर उसका पति उसमें शामिल है कैसे न्याय मिलेगा, उसको इस्तीफा करना चाहिए। जो दूसरे मंत्री का नाम आ रहा है उसका इस्तीफा होना चाहिए। नीतीश कुमार अगर कुंभकर्ण की नींद में सोते रहेंगे, बिहार के लोग चुप रहने वाले नहीं है। तो चलिए बात कह रहे महेश्वर साहब आए हैं। समाज कल्याण मंत्री समाज कल्याण के नाम पे बात क्या सर बोलिए जी जी बिहार सरकार हाय 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 नीतीश कुमार हटाओ नीतीश कुमार हाय 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 मुझे मुजफ्फरपुर की सारी बालिकाओं को जो भी जिनके साथ जुर्म हुए हैं उनको न्याय दो न्याय दो न्याय दो मुजफ्फरपुर की लड़कियों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो न्याय दो बिहार सरकार मुर्दाबाद 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 अपनी बात कहें और पूरा ज्ञापन पढ़कर मजिस्ट्रेट यहाँ पर मौजूद है उनको पूरा ज्ञापन अपना मांग पत्र पढ़कर सुनाए और उनको अपना ज्ञापन सौंपे। सभी साथी बैठ जाइए कितनी बार के बैठ जाइए 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 बैठ जाइए
कई महीने बीत चुके हैं और अभी तक सरकार केवल जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में राजनीतिक दलों के दबाव में करवाई जाए जो हमने रखा दूसरा सीबीआई की जांच
पटना उच्च न्यायालय की समिति की देखरेख में हो। तीसरा, प्रत्येक सप्ताह चार प्रगति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। चौथा, मामले का ट्रायल स्पीड रिपोर्ट तक चलाया जाए गवान के निर्णय तक पहुंचने के लिए अधिकतम 6 महीने की समय सीमा को सुनिश्चित किया जाए। पांचवा, संस्था का संचालक और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि उन सभी आरोपी अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचा जा सके जिनके मूल नाम और पहचान से बच्चियां अनजान हैं। नार्को टेस्ट में आने वाले नाम के व्यक्तियों की तस्वीरें दिखाकर बच्चियों से दोषियों की पहचान कराई जाए। छठा, दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। दोषियों को फांसी से कम की सजा पर आम आदमी पार्टी राजभर में जन आंदोलन करने को बाध्य होगी। सातवा, समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को तत्काल बर्खास्त किया जाए ताकि उनके पति पर निष्पक्ष तरीके से जांच प्रक्रिया चल सके। आठवा, आरोपियों उनसे जुड़े सहयोगियों अधिकारियों और मंत्रियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। नौवा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सोशल संरक्षण में अन्य जिन 12 संस्थाओं में गड़बड़ी पाई गई है उन संस्थाओं में रह रही सभी बच्चियों को कोर्ट के समक्ष अविलंब बयान कराया जाए और उन सबको कोर्ट से ही सीधे अन्य सुरक्षा बालिका आश्रय गृह में भेजा जाए। दसवां, बालिका गृह के पंजीकरण का आधार को पारदर्शी बनाया जाए। ग्यारहवां, राज्य में चल रहे अन्य समस्त बालिका गृह हो, अल्पवास गृह हो एवं बच्चों तथा महिलाओं से संबंधित सभी आश्रय गृहों की जांच करवाई जाए। और बारहवां और अंतिम, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ राज्य के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के नाते की रिश्तों के संबंध में विपक्ष द्वारा लगातार चलाए जा रहे आरोपों की निलंबित जांच कराई जाए। सब साथी इस बार कम से कम ताली बजा करके इस सब मांग का समर्थन करके जोरदार ताली बजा करके पांच लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल जाना है, पांच लोगों का, उसमें उमा जी, रागिनी जी और रीना जी तीन महिला साथी, शत्रुघ्न जी 4 और पटना के जिलाध्यक्ष मनोज जी। और कोई ताली वाली मत बजाइए ना, यहाँ पे दुखद घटना पे हम लोग इकट्ठा हुए। ये 5 लोग जाएंगे राजभवन और वहाँ जाकर जो लोगों की पीड़ा है उससे अवगत कराएंगे। राजभवन को भी हम लोग यहाँ से अपने कार्यालय पर चलेंगे। जब ये साथी 5 वापस आ जाएंगे तब आगे की कार्रवाई होगी। तो इसलिए अभी 5 साथी, 3 हमारी महिला साथी और